अब आपके नगर देवरी में लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल पूर्ण प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। पता याद रखें, विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तिराहा देवरी। एमपी में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं सागर में भी मौतों का आंकड़ा 70 के पार जा चुका है। सागर के बीएमसी में हो रही मौतों पर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह निकलकर सामने आ रहा है कि नेगेटिव मरीजों की मौत के बाद सब परिजनों को नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा कोरोना से हो रही मौतों के बाद सबको पारदर्शिता बैग में रखकर परिजनों को सब दर्शन कराए जाएँ, ताकि मृतक के परिजनों को संतुष्टि हो सके कि मृतक मेरा ही संबंधित है, जिसके विरोध में अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। वहीं युवा कांग्रेस ने आवाज़ उठाते हुए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन जीएस पटेल को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सर्वप्रथम कोविड-19 वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएं और उसकी LCD वार्ड के बाहर या वेटिंग रूम में लगाई जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि मरीज का किस तरह इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना से हो रही मौत के बाद सबको पारदर्शिता बैग में रखकर परिजनों को दर्शन कराए जाएं एवं कोरोना की जाँच के बाद रिपोर्ट आने तक मरीज को कोविड वार्ड में ना रखा जाए। वहीं युवा कांग्रेस ने सागर में हो रही कोरोना से मौत को लेकर BMC प्रशासन पर आरोप भी लगाए। प्रमुख रूप से जो कोरोना के मरीज हैं, इनके इलाज में जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, लगातार मौतों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही हैं, भेदभाव पूर्वक इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारी प्रमुख मांग है, जो कोरोना से मृत होने वाले जो मरीज हैं, इनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, इसमें पूरा का पूरा पारदर्शिता बरती जाए, मृतकों के परिजनों को एक सीमित संख्या में ले जाकर उनकी निगरानी में, उनकी उपस्थिति में, उनका उनके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए। और कोविड वार्ड है, जो कोविड वार्डों में जो CCTV कैमरे लगाए हैं, वो मूक दर्शक बने हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि कोरोना वार्डों में जो CCTV कैमरे लगे हैं, उनको उनके डिस्प्ले या कोविड वार्डों के बाहर लगाई जाए, या वेटिंग रूम या कहीं एक स्थान चिन्हित किया जाए, कि जो मरीज के परिजन हैं उनमें भ्रांतियाँ ना फैलें, उन्हें एक विश्वास रहे कि हमारा मरीज स्वस्थ है और इलाज पूरी तरह सही हो रहा है। लास्ट मांग हमारे ज्ञापन में जो हमने मांग की है, कि जब कोई कोरोना संक्रमित को स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला अस्पताल की या मेडिकल कॉलेज की टीम सैंपल लेने के लिए लेके आती है, तो सीधा का सीधा उसको कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। तो हमने मांग की है कि जब तक किसी भी संक्रमित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाती, जब तक मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती ना किया जाए। सर, मैं हम लोगों ने डीन के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगें जो हैं, CCTV कैमराज लगाने के लिए और उनका वर्चुअल वीडियो जो है डिस्प्ले देने के लिए, वेटिंग रूम में वीडियो दिखाने के लिए हमने उनको बोला है, और उनकी और जो मांगे हैं, जैसे हमारा जो संदिग्ध मरीज रहता है उसको सीधा पॉजिटिव मरीजों के साथ भर्ती कर दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट ना आए, जब तक उसको कहीं अलग वार्ड में रखा जाए, और जब पॉजिटिव आ जाए फिर उसका इलाज जो है पॉजिटिव मरीजों के साथ किया जाए। मांग और है जो कि अंतिम संस्कार के लिए उसमें पारदर्शिता बरती जाना चाहिए, जिसमें परिजनों को पता रहे कि ये जो शव है हमारे ही परिजन का है, और उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। युवा कांग्रेस ने कहा है कि जल्द ही अगर मांगे पूरी ना की जाएंगी तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वसीम कुरैशी के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब आपके नगर देवरी में लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल पूर्ण प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। पता याद रखें, विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तिराहा देवरी।